हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों। सो लॉकआउट के 7 दिन पूरे होने आ गए हैं और आशा करता हूं आप लोगों ने अपना समय घर में ही बिताया होगा। भाई इतनी सारी कहानियां छोड़ रखी है मैंने, उन्हें सुनिए और मौज करिए। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों कहते हैं प्यार इस संसार का सबसे मीठा अनुभव है। दो जवां दिल आपस में मिल जाते हैं और अपनी ही एक संसार में खो जाते हैं, मगर प्यार अगर अभिशाप बन जाए तो। एक अभिशाप की कहानी तो आपको पिछले बार सुना चुका हूं, जिसमें अपने प्यार की रक्षा करने के लिए एक पति अपनी पत्नी की ये बात भी सुनने को तैयार है कि वो उससे प्यार नहीं करता। अपने प्यार को बचाने के लिए धोखे की बात सुनी है आपने? नहीं, प्यार से धोखा नहीं मगर किसी और से धोखा। और उस प्यार के लिए सागर रेलवे लाइन पर भी कूद पड़ा था अपने प्यार के पास जाने के लिए। आप कहेंगे मैं कहानी के किस हिस्से में पहुंच गया? असली कहानी तक पहुंच ही गया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। मोहल्ले के हम लड़के हमेशा इधर उधर घूमने और समय बिताने के अलावा कुछ नहीं करते। मोहल्ले के बड़े लोगों के हिसाब से कहें तो बाप का खाते हैं और जाकर जंगलों में जंगली भैंस चराते हैं, मतलब टाइम पास करते रहते हैं। पढ़ाई लिखाई कभी भी हम लोगों के बस की बात नहीं थी, इसलिए ज्यादा हम पढ़े नहीं। कोई 10वीं, कोई 12वीं और कोई कॉलेज फर्स्ट ईयर के बाद पढ़ाई छोड़ दिया। बस घूमना फिरना ऐसे ही कामों में हमें मजा आता था। हाँ, मोहल्ले में अगर किसी को जरूरत पड़े तो उसे हॉस्पिटल पहुंचाना, उसके लिए खून देना वगैरह के लिए भी हम तैयार रहते थे। इसलिए मोहल्ले के गाली खाए हुए लोग होने के बाद भी लोग हमें इससे उतनी नफरत नहीं करते थे। और जैसा होता है जब इंसान खाली रहता है तो सबसे पहली बात उसके दिमाग में आती है, वह है प्यार। कई बार हम लोगों को प्यार हुआ किससे? अरे भाई, मोहल्ले में कोई नया किराएदार आ जाए या फ्लैट में कोई नया परिवार बसने आ जाए तो उसके यहां की अगर कोई हम उम्र लड़की हो तो बस उसे देखते ही प्यार हो जाता। लाइन मारने की कोशिश सब करते, पता नहीं किसका किस्मत खुल जाए। और इसके चलते कई बार उसके पिता से या फिर लड़की के सिक्स पैक ऐप वाले बॉयफ्रेंड से पिटे भी हैं। कभी कभी लड़की ही प्रपोज करने के बाद झापड़ मार देती। बस जिंदगी ऐसी ही चल रही थी कि अचानक अंकिता हमारे मोहल्ले में रहने आई और मेरा दोस्त सागर उस पर फिदा हो गया। हम सब तो बड़े खुश थे कि इसका भी इस बार कुछ अच्छी खासी कुटाई होगी, मगर यहां तो बात उल्टी हुई। अंकिता पहली बार में उसका प्रपोज मान गई और धीरे धीरे सागर भी हम लोगों से दूर होने लगा। अब वो हम लोगों से कम ही मिलता तब जब अंकिता कॉलेज जाती, क्योंकि अंकिता एक अच्छी पढ़ने लिखने वाली लड़की थी। हम लोगों को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि सागर का उसके साथ कैसे टांका भिड़ गया। सागर जैसा आवारा लड़का, अंकिता जैसी पढ़ी लिखी लड़की। कभी कभी मन में यह भी करता था कि काश सागर की जगह हम लोगों ने उस प्रपोज कर दिया होता तो शायद आज हमारी भी प्रेम कहानी चल रही होती। सागर के एब्सेंस में उसे मजनू, प्रेम रोगी, गर्लफ्रेंड का गुलाम, ना जाने कितने नामों से हम उसे पुकारते। कई बार उसके घर पर जाने पर हम लोगों को आश्चर्य होने लगा कि अब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किताबें पढ़ने लगा था। धीरे धीरे सागर जैसे बदलता सा जा रहा था कि अचानक वो दुर्घटना हो गई। अंकिता रेलवे लाइन क्रॉस कर रही थी। हमारे घर से कुछ ही दूरी पर रेलवे स्टेशन है, इसलिए हम लोग अक्सर पैदल ही उधर निकल जाया करते और रेलवे लाइन क्रॉस करके शहर के दूसरे हिस्से में जाने का काम करते हैं। अंकिता भी उस दिन वही कर रही थी, मगर ट्रेन पास आते देखकर अचानक शंटिंग के समय दो लाइनों के बीच उसका पैर फंस गया। धड़धड़ाती हुई ट्रेन उसकी ओर बढ़ने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों को कहना है कि जैसे अंकिता वहां से छूटना ही नहीं चाह रही थी।
वो एक टक ट्रेन की ओर देख रही थी और फिर ट्रेन ने उसके शरीर के परखच्चे उड़ा दिए। जब हम लोग को ये बात पता चली और हम रेल लाइन के पास पहुंचे तो उस समय पुलिस ने उसकी लाश के टुकड़े पॉलिथीन के बैग में भर रहे थे। देखकर लगता ही नहीं था कि वो एक जिंदा इंसान थी। कभी वहां के हालात देखकर पटरियों के पास बैठकर मैंने उल्टी कर दी थी। इतना विभत्स वातावरण था वहां का। और सागर वो तो जैसे दीवाना सा हो गया। कुछ दिनों बाद अचानक घर से गायब भी हो गया। उसकी विधवा मां कई बार हम लोगों के पास आकर हमसे कहती कि सागर को हम ढूंढ के लाएं, कहीं वो कुछ कर ना बैठे। अब चलो उसकी विधवा मां का इकलौता सहारा था वो, और हम लोग भी इस बात में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे सागर को ढूंढने में, मगर उसका कहीं भी कोई पता नहीं चल रहा था। शायद उसके दिल को बहुत बहुत बुरी चोट लगी थी। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था। घर के सबसे पिछले वाले हिस्से को मैंने चुना था, खास यहां पर कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, और आराम से सिगरेट वगैरह पीते समय पिताजी को पता चलने और डांट खाने का भी डर नहीं था। मेरे कमरे से ही घर का पिछला गेट जाता था। उस रात अचानक गेट पर दस्तक से सुनी। पहले तो चौंक गया, इतनी रात को कहीं मेरा भ्रम तो नहीं। मगर अगली बार फिर दस्तक हुई, मगर ये दस्तक हड़बड़ी वाली, जल्दी से दरवाजा खुलाने वाली नहीं थी। कोई बड़े आराम से दस्तक दे रहा था। मैंने भी चौंक कर दरवाजा खोल दिया, मगर दरवाजा खोलते ही मैं चौंक पड़ा। मेरे सामने सागर खड़ा था, रूखे उलझे बाल, गाल में दाढ़ी, वही टी शर्ट पहने हुए जो पहनकर वो गायब हुआ था, गंदे मैले कुचैले। मैंने उसे देखकर बोला, अरे सागर तू? मेरी थोड़ी मदद करेगा भाई? बिना कोई समय गवाए या कोई परिभाषा बांधे वो सीधा विषय पर आ गया। पहले तो अंदर तो आ। मैं समझ चुका था कि उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए उसे पहले अपने पास लाना चाहता था कि ताकि किसी तरह उसे बांध लूं और उसकी मां तक पहुंचा दूं। कमरे में आकर वो मेरे खाट पर बैठ गया। बड़ी मुसीबत में हूं भाई, मदद चाहिए। बोला क्या? मुझे उसने खाट पर बैठने का इशारा किया और बोल पड़ा, देख भाई, सच बता रहा हूं, तेरी बातों का विश्वास करना। तू तो जानता है अंकिता पैरासाइकोलॉजी की स्टूडेंट थी। हाँ, ऐसी ही कुछ पैरासाइकोलॉजिकल बातें पढ़ते पढ़ते अचानक वो एक मुसीबत में फंस गई थी। उसके बाद से वो गायब हो गई और मैं उसे ढूंढता रहा। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे आसपास है और मुझसे मदद मांग रही है। मैं कई रातों से सो नहीं पाया हूं सिर्फ उसकी मदद की गुहार के चलते। अंकिता गायब हो गई है। सुनकर मेरा विश्वास पक्का हो गया कि उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मगर मैं उसकी बातों में हां मिलाकर उसे यह एहसास दिलाना चाहता था कि मैं उसके साथ हूं, ताकि उसे उसकी इस परिस्थिति से बाहर निकाल सकूं। तो बात क्या हुई, पूरी तरह से बताना। देख अंकिता एक सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रही थी जिसमें कुछ हिस्टोरिक पैरा नॉर्मल जगहों की बात होती है। बस्तर के एक गांव में उसे ऐसी ही बात पता चली। वो और उसके कुछ क्लासमेट्स वहां पहुंच गए।
जंगलियों की इन बस्ती में एक मंदिर था किसी देवी का, मगर उस मंदिर के अंदर क्या है कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि कभी उस मंदिर के पट खोले ही नहीं जाते। बाहर एक शिला विग्रह रखी थी जिसे देवी का रूप मानकर पूजा किया जाता था। मंदिर के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा था। वहां के जंगली आदिवासियों का मानना था कि जो भी मंदिर का दरवाजा खोलेगा उस पर एक अभिशाप लग जाएगा जिसके चलते उसकी मृत्यु निश्चित है। तो तू कहना चाहता है कि अंकिता, हाँ अंकिता और उसके दो दोस्त इस बात को नहीं मानते थे। उन लोगों ने तय किया कि किसी तरह से उस मंदिर के अंदर क्या है देखेंगे। जिस होटल में वो रुके थे वहां के वेटर को कुछ ज्यादा पैसे देकर उन्होंने दो सबलों का इंतजाम किया और मंदिर का ताला तोड़ने की कोशिश की। ताला बहुत मजबूत था, टूटा नहीं, मगर अंत में अचानक अंकिता के हाथों से चोट खाकर ताला खुल गया। अंदर क्या था वो देख तो नहीं पाए, मगर अंकिता वहीं बेहोश होकर गिर गई। उसके बाद वो लोग वहां से वापस चले आए। वहां से आने के बाद अंकिता मुझसे मिली नहीं, मगर फिर ओह, तो तू कहना चाहता है कि मंदिर के उस अभिशाप ने ही अंकिता की जान ली। हाँ, तुम लोगों को ऐसा लगता है कि अंकिता मर गई है, मगर मुझे वो हमेशा मदद के लिए पुकारती रहती है। अब भाई, तू एक बार मेरे साथ उस जंगली इलाके में चलेगा, मैं मुझे ऐसा लगता है मैं वहां से अंकिता को वापस ले आऊंगा। हाँ ठीक ठीक है, चल मैं चलूंगा, अभी तो तू सो जा। मैंने उसके हाँ में हाँ मिलाने का जो पासा फेंका था वो पासा काम आ गया, क्योंकि इतने दिनों से जो सागर सोया नहीं था वो आज की रात मेरे पास निश्चिंत होकर सो रहा था। मैंने सोचा सवेरे उठकर उसे उसके माँ के पास पहुंचा दूंगा और उसके इलाज भी करवा लिया जाएगा, मगर मेरा सोचना बिल्कुल गलत था, क्योंकि सवेरे उठकर सागर ने पहला प्रश्न यही किया कि कब चलना है। अब अपने दोस्त को मना भी नहीं किया जा सकता था। मैंने फिर से सोचा कि चलो एक बार वहां से होकर ही आते हैं, जब वहां से कुछ भी नहीं दिखेगा तो धीरे से वो ये बात एक्सेप्ट कर लेगा कि अंकिता मर चुकी है। हम दोनों बस्तर के उस जंगली इलाके की ओर चल पड़े। रास्ता काफी दुर्गम था। ठहरे हम उसी होटल में जिसमें अंकिता और उसके दोस्त ठहरे थे। शाम को घूमते घूमते हम उस मंदिर के पास भी पहुंच गए। सागर ने मुझे दिखाया, यही वो मंदिर है, देखने में वो मंदिर बहुत ही डरावना सा लग रहा था। मंदिर के बाहर एक बड़ा सा चबूतरा था जिससे मंदिर के गेट को रोका गया था और बाहर एक शिला विग्रह थी जिसकी पूजा होती थी। मंदिर काफी पुराना था और थोड़ी सी भी हलचल से टूटकर गिर सकता था। शायद इसीलिए वहां के लोगों ने यह कहानी प्रचारित कर दी कि उस मंदिर के अंदर कोई जाए नहीं, अन्यथा किसी बड़ी दुर्घटना के होने का डर था। देवी की पूजा बाहर के शिला विग्रह से ही होती थी। काफी देर वहां घूमने फिरने के बाद अचानक सागर बोल पड़ा, तू 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 होटल लौट जा, मैं कुछ देर यहां बैठूंगा, अंकिता यही है, मुझे उससे थोड़ी बातें करनी है। मैंने सोचा कुछ देर अकेला रहेगा तो शायद सागर का मन बहल जाएगा। यही सोचकर मैं होटल वापस लौट आया। होटल में आकर नहा धोकर मैं सागर का इंतजार करने लगा, मगर वो था कि आने का ही नाम नहीं ले रहा था। दूसरी तरफ पेट में चूहे कूद रहे थे। सो सागर की अनुपस्थिति में ही मैंने खाना खा लिया। दिन भर की थकान ने मेरी हालत पस्त कर दी थी, इसलिए मैं सोने चला गया। नींद खुली तो करीब 6:30 बज रहे थे।
मगर अभी भी सागर नहीं आया था। बाहर धीरे धीरे अंधेरा फैल रहा था। मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आया। उफ़, ये इंसान क्या है यार, क्या कर रहा है वो इतनी देर यहां। उसे ढूंढने के लिए मैं निकलने लगा। होटल में बातचीत करने से पता चला कि जिस समय अंकिता और उसके दोस्त वहां आए थे, उस समय गांव में काफी हलचल भी मच गई थी। गांव वालों को पता चल गया था कि उनकी टीम ने ही मंदिर का दरवाजा खोला है, और इस तरह के काम करने के लिए वो उन पर बहुत गुस्सा भी थे। गांव वाले पुलिस लेकर होटल तक भी आए थे, मगर उससे पहले ही अंकिता और उसके दोस्त स्टेशन को जा चुके थे और ट्रेन से निकल गए थे। होटल के वेटर से ही सबको पता चला था कि किस तरह से उसने पैसे खाकर उन लोगों को सबलों का इंतजाम किया जिससे वो मंदिर खोले थे। अभी भी इस बात को लेकर वहां माहौल गर्म था। मन तो किया कि एक बार होटल वालों को बता दूं कि सागर किस तरह से उसी मंदिर के पास रुक गया है, मगर फिर बात बिगड़ जाने के डर से मैं अकेला ही हाथों में एक तेज टॉर्च लिए मंदिर की ओर चल पड़ा। पहुंचते पहुंचते करीब 7 बज गए थे। चारों ओर घनघोर अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में मंदिर बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा था। मैं जैसे ही मंदिर के पास पहुंचा और उस पर टॉर्च मारी, मेरा हृदय धक से हो गया, क्योंकि मंदिर का एक कपाट हल्का सा खुला हुआ था जिससे एक आदमी अंदर जा सकता है। मगर आश्चर्य, मेरी टॉर्च की रोशनी मंदिर के अंदर के अंधेरे को रोशन नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर का वो अंधेरा टॉर्च की रोशनी को खा जा रहा है। मैंने आवाज लगाई, सागर, 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 मगर वीराने में मेरी आवाज मुस्तकी वापस लौट आई। मैं समझ चुका था कि सागर अब मंदिर के अंदर गया हुआ है। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर किया क्या जा सकता था। मैंने धीरे से चबूतरा पार करने की कोशिश की। सागर चूंकि दुबला पतला इंसान था, इसलिए उसने आसानी से वो चबूतरा पार कर लिया था, मगर मैं थोड़ा सा हेल्दी हूं, इसलिए उस चबूतरे से अंदर घुसने में मुझे काफी तकलीफ हुई। टॉर्च की रोशनी में मैं बड़ी मुश्किल से मंदिर के गेट तक पहुंचा और वहां जाकर एक बार फिर से आवाज लगाई, सागर, सागर। अंदर से अचानक आवाज आई, हाँ वीरे, आजा अंदर। मेरी शंका विश्वास में बदल गई कि सागर अंदर ही है। जैसे ही मैंने दरवाजे पे कदम रखा, मैं ठिठक गया। सागर के साथ किसी और के होने का एहसास भी मुझे होने लगा। मैं ये पूछा, कौन है, कौन है? अचानक सागर ने दोहरी आवाज में मुझसे कहा, कोई नहीं, तू अंदर आ जा, आ तो सही। मैं भी अंदर पहुंच गया, मगर आश्चर्य, अंदर का वो घनघोर अंधेरा टॉर्च की रोशनी को बहुत सीमित कर दिए था। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे टॉर्च बहुत ही धीमी रोशनी से जल रहा है। मैंने फिर से आवाज लगाई, सागर, कहां है तू? तभी अचानक मेरे पास उसकी आवाज आई, ये तो तेरे पास ही खड़ा हूं, कैसा है तू? बहुत दिनों बाद मिला। क्या मगर एक बात बता, तू यहां कर क्या रहा है? दोस्त, मैं अंकिता को यहां से ले जाने आया हूं। मैंने कहा था ना, वो यहां रह गई है। क्या? हाँ, इस वक्त तू एक ऐसी दुनिया में है जहां पर बाहर की सारी दुनिया रुक जाती है, इसीलिए टॉर्च की रोशनी भी सीमित है। इस मंदिर का अभिशाप है कि जो भी इसका दरवाजा खोलता है, उसकी आत्मा इस मंदिर में कैद होकर रह जाती है। जब अंकिता ने यहाँ का दरवाजा खोला था, तो चक्कर खाकर बेहोश हो गई थी। उस वक्त उसकी आत्मा इस मंदिर में कैद हो गई थी, मगर दूसरे ही पल जब वो उठकर खड़ी हुई, तो उस वक्त इस मंदिर में पहले से कैद एक आत्मा ने उसका शरीर धारण कर लिया था, जो उसके दोस्तों को समझ में नहीं आया।
जब वो वापस हमारे शहर में आई तुम मुझसे नहीं मिली। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसके बाद फिर उसकी मौत हो गई। मैंने कई बार ब्लैंकेट के तहत अंकिता से बात करने की कोशिश की और उसकी यहां कैद आत्मा ने ही मुझे ये सारा मार्गदर्शन दिया। मैंने तुझे सारी बातें क्लियर नहीं बताई थी। मैं चाहता था कि तू मुझे मानसिक रूप से अस्वस्थ समझे और मेरे साथ यहां तक आए, क्योंकि अगर ये बातें मैं तुझे बता देता तो तू मेरी मदद करने यहां तक नहीं आता। जब ठीक है, मगर अब आगे क्या करना है? आगे अंकिता को यहां से लेकर जाना है। कैसे कैसे लेकर जाएंगे हम? तू मदद करेगा ना? मैं कैसे मदद करूंगा तेरी? देख, इस मंदिर का ही अभिशाप है कि जो भी इस मंदिर के अंदर आता है उसकी आत्मा इस मंदिर में कैद हो जाती है और यहाँ पहले से कैद कोई आत्मा उसका शरीर ले लेती है। इस वक्त इस मंदिर के अंदर तीन आत्मा और दो शरीर है। जैसे ही मैं मंदिर के अंदर आया तो मेरी आत्मा यहाँ कैद हो गई, मगर अंकिता की पहले से कैद आत्मा ने मेरा शरीर धारण कर लिया। जैसे ही हम शहर जाएंगे हम दोनों की मौत हो जाएगी और हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मगर तू कैसे शहर जाएगा? एक खतरनाक हंसी ने मेरी खान हिला दी। तू भी तो मंदिर के अंदर आया है ना? अभिशाप तुझे भी तो लगा है। अचानक मैं चौंक पड़ा। टॉर्च की हल्की रोशनी में मैंने देखा मेरा शरीर जमीन पर पड़ा हुआ है। ओह, तू? हाँ, मैं इसीलिए तो तुझे यहाँ लेकर आया था ताकि अंकिता मेरा शरीर ले ले और मैं तेरा। हम दोनों शहर जाएंगे और वहां पर हम दोनों की मौत हो जाएगी और अंकिता हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। दोस्त, शुक्रिया, तूने बहुत मदद की। और अगले ही पल मैंने देखा कि मेरा शरीर उठकर खड़ा हो रहा है। नहीं, शायद सागर मेरे शरीर को खड़ा कर रहा है। और फिर सागर और मैं मंदिर से बाहर जाने लगे। नहीं नहीं, रुको रुको रुको, मुझे यहां छोड़कर मत जाओ। अरे क्या कर रहे हो? देखते ही देखते वो दोनों मंदिर के दरवाजे से बाहर चले गए और मंदिर का दरवाजा फिर पहले की तरह बंद हो गया और मैं उस मंदिर के अंदर कैद हो गया। इंतजार करता हुआ कि कभी कोई आए और मंदिर का दरवाजा